नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है और आज इस शिविर में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत जी। हजारों की तादाद में किसान इस चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए आए हैं। यहाँ इस वक्त हम लाल कोठी पे है, वीआईपी घाट पे भी किसानों का कब्जा है और इस बार बड़ी बात यह है कि पिछली दफा जहाँ अधिकतर लोग कारों के जरिए आए थे, बड़े वाहनों के जरिए आए थे, इस बार ट्रैक्टरों की अच्छी खासी मौजूदगी भी इस राष्ट्रीय चिंतन शिविर में देखने के लिए मिल रही है। अगले एक साल भारतीय किसान यूनियन किस एजेंडे पे काम करेगी और चूंकि साल 2024 भी सामने है, लोकसभा का चुनाव भी सामने आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी ने तो लोगों तक अपनी उपलब्धियां 9 साल की पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया है, लेकिन किसान का दर्द अभी क्या है और किसान खास तौर पे अगले कुछ महीनों में या लोकसभा चुनाव से पहले सरकार पर किस तरीके से अपना दबाव बनाना चाहेगा अपने मुद्दों के लिए, उसी बारे में हम चौधरी नरेश टिकैत जी के साथ बात करेंगे। तो चौधरी साहब, दूसरा दिन है चिंतन शिविर का, किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? नहीं, सब तो पहले तो यही बात है कि यो एक साल में हरिद्वार का जो किसान कुंभ कहा जाए है, एक साल में हो एक बार, इसमें मुद्दे तो है ही, पर सब तो बड़ी तो बात यह है कि जो आपस में मेल मिलाप हो, नमस्ते जी, आपस में मेल मिलाप हो, जो बिछड़े रहे सारी वो बातचीत जो सन 87 से साथ में एक पुरानी याद ताजा हो, हर साल सबका मेल मिलाप हो जा और कोई इसमें वह भी देखे जा भाई एक साल में क्या हमने खोया क्या पाया। वैसे बड़ा 2022 और ये 23 बड़ा संघर्ष का हो रहा, 2021 से भी 21 से ही है, 21 22 और 23 का बड़ा संघर्ष का समय चल रहा किसानों के, उसमें आज किसान एक बारूद के ढेर पर बिल्कुल बैठा, जो समस्या उनका समाधान नहीं हो रहा, बिजली का मुद्दा हो, कहीं फसलों का मुद्दा हो, भी पीछे से हरियाणा में सूरजमुखी का बड़ा काफी हो रहा है उसमें, हालांकि हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इधर तो सूरजमुखी की नहीं है फसल, पर 6400 रुपये का रेट है, वो खरीद दी जा रही 3500 4000 4200 रुपये में, तो किसान के साथ में कितनी जायजती हो रही, ये गन्ने की समस्या है और किसान के सामने सिर्फ आंदोलन के सिवा और कोई रास्ता नहीं। पहली सरकार बड़े अच्छे तरीके से बात कर रही थी, किसी का आश्वासन मिल जाता, किसी का समाधान हो जाता, एक सही रह जाती बात, किसान को भी ऐसा लगा था कि जने तम ठगे नहीं जा रहे। इसमें तो जो कोई बात करे अपनी एक जोर जबरदस्ती सरकार की है, लाठी डंडों के बल पे उन्हें दबाया जा, पार्टी के मजहब के नाम पे उन्हें दबाया जा, तो इस तरह की ठीक नहीं बात रहती है, बातचीत ठीक होनी चाह, एक अच्छे शासक की तरह से मैं अपना काम करे और एक तानाशाही रवे ना अपनावे, किसान इस देश का अन्नदाता है, उसे बिल्कुल खुश रखना चाह। जब मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल अभी पूरा हुआ है, बड़ी बड़ी उपलब्धियां जनता के बीच में पहुंचाई जा रही है, यहां तक कहा जा रहा है कि किसान की आमदनी पिछले 9 सालों में दोगुनी होगी। नहीं, मारे तो जमामत ही चली गई, या टमाटर की फसल है वो ले लो, 3-4 रुपए किलो उसमें तुड़ाई का भी होने, उन्होंने किसानों ने तोड़ तोड़ उसमें वो कर दिया, अपनी फसल तबाह कर दी, बाद दिन हुई इतनी लागत इतनी मेहनत, यही गोभी की है, कहीं कहीं की होकर जो महाराष्ट्र में उसका प्याज की हुआ है, कई अंगूर की हुआ है, हम लोग कहे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसल की हुआ है बातचीत, पर उनकी जो लागत है उनका तो मूल्य मिलना चाह, लागत का मूल्य मिले और एक ठीक रहे बातचीत, ऐसा यही थोड़ा ही है बात, किसान को दबा के कितने बड़े में हो जाएंगे, इतना नहीं है, किसान को दबाना चाहता, किसान की बात सुनने चाह, किसानों का एक सम्मानित पैसा है, कहीं भूमि अधिग्रहण की बात है उसमें उनके सही रेट नहीं दिए जा रहे,
मतलब एक एक जबरदस्ती एक निशान लगा दिया जाए, यहाँ की जमीन या अधिग्रहण कर ली और इसका हम अपनी मन मर्जी का रेट देंगे, क्यों देंगे भाई? एक जगह तो एक जमीन का रेट 1 करोड़ रुपए भी गएगा, एक जगह 11 लाख 12 लाख रुपए भी गएगा, क्यों इतना फर्क क्यों है? ऐसा कम से कम भाई 1 करोड़ 1.25 करोड़ का रेट है एक जगह, और कम से कम वहां से 80-90 लाख रुपए तो दिया दे देना चाह, मतलब कितना भेदभाव है जो भाई वहां को स्पीड कम थोड़ा ही हो जाएगी हाईवे की, जहां कम रेट है सर किसान को तो रेट ठीक मिलना चाह, तो कितनी वह है बातचीत हमारा पशु की, इतनी बात है इसमें 30 रुपए केंद्र सरकार का या प्रदेश सरकार का 30 रुपए रेट है एक पशु का, कम से कम उसका 200-250 रुपए एक पशु का रेट कर किसान अपने बांध लगा उसे। पशु के एक दिन के भोजन का खर्च सरकार 30 रुपए दे, 30 रुपए दे रही, बताओ 30 रुपए में तो कोई खोल का बगल भी नहीं बांध सकता, फिर चारा भी है, पानी भी है, राशन भी है, तो सब कुछ उल्टा है, उन्हें पता नहीं, कोई बताता नहीं। हम वैसे भाजपा के हम खिलाफ नहीं है, इन लोगों को तो इस तरह देख रहा है भाई, इसकी जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वे सही नहीं है। आंदोलन तो हर सरकार में रहे, बसपा में भी रहे, सपा में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, आंदोलन की तो कोई बात नहीं, कोई सरकार बात मान ले तो अच्छा लगे ठीक रहे, अब नहीं मानते तो जीत तो पूरे पूरे भारत में आंदोलन हो रहे, पूरे भारत में हिंसा हो रही, तो इस तरह से इस देश को क्या कहां ले जाएंगे। आपने हरियाणा के किसानों ने जो आंदोलन किया अभी हाल में, चौधरी राकेश टिकैत भी वहां मौजूद रहे, 36 घंटे नेशनल हाईवे जाम भी रहा, और आखिरकार में सरकार को झुकना पड़ा, MSP देने का ऐलान करना पड़ा सूरजमुखी की, जिनके किसान नेताओं पर मुकदमे हुए वो भी वापस हुए, किसान नेता रिहा भी हुए। क्या उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो गन्ना किसान है वो तो निराश है, कई सालों से उसका भाव बढ़ ही नहीं रहा? नहीं, एक तो बात यह है, हम मारक कभी भी उद्देश्य नहीं रहा कि भाई रोड जाम हो कुछ हो, एक बदनामी मिले हमें भी महसूस हो, बात या इस तरह की बहुत मजबूरी में इस तरह का कदम उठाया जा, हमें पता हमारे आदमी है जो परेशान हो, जो कहीं जाना लंबा जाना और जाम में फंसे, तो हमें महसूस हो उस बात के, हम वैसे खेद जतावे उस बात के लिए भाई, इस तरह का हमारा कोई इरादा नहीं था, पर मजबूरी में सरकार की सरकार तक बात पहुंचाने का एक यही माध्यम है भाई, रोड जाम करके कुछ, खैर ज़्यादा लंबा नहीं वो चाहते, हम तो ये चाहते भाई 15-20 मिनट का, 1 घंटे का, बस ज़्यादा वो नहीं चाहता, इतनी जो थोड़ा घना जो जाम है तो इस बस 1 घंटे का ज़्यादा ज़्यादा रहना चाह। और क्या सरकार क्यों मान ली सरकार ने फिर यही बात, जो उसमें कहा भाई 5,000 रुपये इसका रेट दे देंगे हम, चलो खैर काफ़ी वो है, वो 3,800 रुपये से और 5,000 रुपये तक 1,100-1,200 रुपये के 1,000 रुपये का फर्क उन्होंने कहा, वैसे तो 1,400 रुपये तो भी कम है, जो सरकार का रेट है कम तो उस पर तो ले, पर किस तरह की वह हो रही बातचीत, क्या सभी में आंदोलन के जरिए तो ही होंगे सभी समाधान, सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती होगी, इतनी बड़ी सरकार बन रही, सब मुलक बेईमान हो गया, कोई किसी के पैसे लेकर देता, पुलिस है वह बेलगाम है, कोई सा विभाग है, कोई से विभाग को भी देख लो, सब पता नहीं किस तरह के ऐसे जनरल लाइसेंस बन गए इनका अवैध वसूली का, भाई ठीक काम करना चाह किसानों का, मजदूरों का, विद्यार्थियों का, व्यापारियों की, बैठ के बातचीत तो सुने, सबकी निगाह देहातों पर लग गई, देहातों का तो बिल्कुल एक ऐसा वो हो गया जना बिल्कुल देहात तो कुछ है ही नहीं, तो आखिर को और नहीं बात थी, बैठ के नमस्ते मिल बैठ के बात करने चाह, बात अच्छी बात रहे, बैठ के बातचीत हो, सरकार अपनी मजबूरी बतावे, किसान मजदूर व्यापारी विद्यार्थी में अपनी मजदूरी वह बतावे, मजबूरी भाई मारी या है या समस्या है, तो बीच का ऐसी बात नहीं, बीच का रास्ता निकले, पढ़ा लिखा समाज है, पहले राजा महाराजा हुआ करते उनकी तानाशाही चल जा करते, इनमें नहीं, इनमें गलत रास्तों पर चल गए। 9 साल सरकार के हो गए, और पिछले दिनों जैसा आप चौधरी राकेश टिकैत ने भी कहा कुरुक्षेत्र में, कि आप कुरुक्षेत्र की जमीन से MSP का जो आंदोलन है वो छोटे स्वरूप में आप दिखाई दिया है, अब
चूंकि एसकेएम के जो धड़े बिखरे हुए थे वे भी कुरुक्षेत्र में जो आंदोलन हुआ उसमें साथ आए, तो क्या अब एमएसपी का मुद्दा एक बड़े आंदोलन के रूप में सामने निकल का होगा? नहीं, एक तो बता, जो किसान संयुक्त मोर्चा है वैसे सब नहीं इकट्ठा होकर बना है, सब है, हम अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते। ठीक है, हमने नाम टेक रखे, किसान संगठनों के भी नाम टिक रहे, ये वे संगठन है, वो इब्जा मजबूरी है लोगों की, नहीं एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा, अपना नाम जरूर टेक लो, हमें कोई होने ना को हमें किसी की विलय की बात है कि भाई इस संगठन का नाम इसमें दूसरे संगठन में विलय कर लो, वह तो उनकी मर्जी है, पर किसानों को क्या जवाब देंगे? किन्हीं किन्हीं बात में नाम धर ले भाई इस फला संगठन, भाई किसानों को किसके भरोसे छोड़ दे जिन्होंने योगदान कर रखा और तन मन धन तो साथ है और उनका समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, तो उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और ये संगठन किसान संगठन है, ये अपने सब में बुला के और ये इकट्ठी लड़ाई लड़े, जी भी इसमें कामयाबी मिलेगी। बहुत ताकतवर सरकार है इसके साथ वैसे नहीं पूरा पाड़ने का, इसमें सब मिलकर काम करे और अच्छी तरह तक करे, अपनी सभी जिम्मेदारी मानने, सबकी बड़ी वाह बात, अपनी सभी जिम्मेदारी मानने चाह, गलती नहीं चाहती करनी, अगर कोई गलती करे तो उस गलती को एहसास करे कि मैं मेरे तो भूल चूक होगी। बहुत करोड़ों यादमों की निगाह इन लोगों पे, इन जिम्मेदारों पे, संयुक्त मोर्चे पे, किसान संयुक्त मोर्चे पे, तो हम यही कहें कोई भी काम ऐसा ना हो जो किसी को महसूस हो, और अच्छे काम करते रहने चाह, अच्छे काम का अच्छा रिजल्ट निकले थे। जब आप इस चिंतन शिविर से किसानों के किन मुद्दों को आप लोग आवाज देने की कोशिश करें? नहीं, ये तो या तो कई स्टेट टू के आदमी आ रहे, जो ये नजदीक है, दिल्ली का नजदीक है, 7-8 स्टेट टू के तो है ही। सब तो बड़ा मुद्दा तो ये जो बिजली की समस्या है, इस तो सब सतर्स्त है। पंजाब में किसान को बिजली फ्री दे रखी, चलो हम उन्होंने कहते भाई फ्री नहीं चाहती बिजली, कुछ रेट सही ले लो जिससे किसान पे ज्यादा लोड ना पड़े, मजदूरों पे ज्यादा लोड ना पड़े। ये आदमी 500-400 की मजदूरी जावे करके कितना है उसके बिजली में चले जाएगा, गैस में चले जाएगा, कहीं में चले, तो जन सुविधा की बात चाह, बिजली की समस्या है, फसलों की बात है। गन्ने का रेट पंजाब में 382 रुपये का रेट है, यहाँ 350 का रेट है, तो 32 रुपये का फर्क है। क्यों फर्क है इतना भाई? भारत एक है, डीजल पेट्रोल गैस सबकी एक, पूरे भारत में एक कीमत है, तो गन्ने पे इतना फर्क क्यों है? क्या वहां की जो पंजाब सरकार है वह किसानों को सहूलियत दे रही, तो उसकी तो बड़ाई तो होगी। जो सरकारें किसान हित की बात करेगी तो उसका अच्छे में जिक्र भी होगा। तो हम लोग कह रहे भाई ठीक बात करो, एक वो ना करो, बदले की भावना तो ना काम करो, जो जो बात गलत है उसे गलत कहो, सही है तो सही कहो। योगी जी को भी काम नहीं करने दे रहे, हमने जो महसूस करा उन पर भी एक दबाव है केंद्र का, आपको इस तरह फालतू नहीं बोलना। तो अगर उन्हें एक आजादी दी जाए, एक मुख्यमंत्री को आजादी दी जाए भाई ठीक है तुम स्वतंत्र हो जो कुछ भी, तो वे कुछ ना कुछ कर सके, उन पर दबाव रहे भाई इस तरह की बात वो करे, जो हमें महसूस हो रही है बात, ये नहीं चाहते। असली नाराजगी मोदी जी से? नहीं, नाराजगी तो हमें उससे भी नहीं भाई, नाराजगी तो खैर प्रधानमंत्री है, नाराजगी करके हम करेंगे क्या? पर एक तो बात है जो गलत बात है उसका एक इसी में देख लो, जो 700-750 किसान उस आंदोलन में शहीद हो गए, प्रधानमंत्री ने आज तक भी किसी भी सभा में जो इस तरह की बात कही होगी भाई मैं भी मारे ही है, मैं भी 135 करोड़ में तो मैं भी है, 750 भी 135 करोड़ में तो मैं भी है, 750 भी है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? एक किसी के जो कोई चला ही गया और उसे उसके प्रति दो शब्द ना कहे,
क्या किसान आंदोलन करे, कोई गुनाह कर रहे? ये नहीं बात, बात ठीक चाह करने। सरकार, हमने भी सरकार बनाई, हमने भी वोट दी, पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो कहां जा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा चौधरी साहब, कुछ दिन पहले आप इसी हरिद्वार में आए और उस दिन मामला था कि जो खिलाड़ी जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया, अपने सम्मान की लड़ाई में जब वो आहत हुए तो विवश हो गए कह लिए, मजबूर हो गए कह लिए, या अपमानित उन्होंने महसूस किया खुद को, वो अपने मेडल जो देश की शान थे इसी गंगा में यहाँ प्रवाहित करने के लिए पहुंचे थे हरिद्वार, उस रोज आपने, आप उनके बीच में पहुंचे, आपने उन्हें समझाया मनाया, वो मेडल उनके सुरक्षित रखवाए और 5 दिन का समय खिलाड़ियों ने दिया। उसके बाद सोरम में भी आप महापंचायत हुई, कुरुक्षेत्र में भी खाप चौधरी की बड़ी महापंचायत हुई। अब जब खिलाड़ियों की सरकार से बातचीत हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि इस मामले का हल निकल गया या अब भी आंदोलन की राह बरकरार है? हमें तो आंदोलन का, हमने पहले भी कहा, हमें आंदोलन का कोई शौक नहीं, मजबूरी तो है जी। मैं स्टेज पर खुले मंच तक कह रही हूँ, हमारे साथ में इस तरह की हरकत हुई, यौन शोषण हुआ, तो और क्या सबूत दे सके, और उसमें सरकार उसके बचाने पर लग रही, क्यों इस तरह की क्यों बात करूं भाई जी, है कहीं सुनाई जी? मैं लड़की नु कह रही भाई हमारे साथ में इस तरह की बात हुई और उसका भी सबूत मांग रही, सारी वो है बातचीत उनकी, तो मैं तो नु कहूं उन लड़कियों की हिम्मत की बात है, उन्होंने इस तरह का कदम उठा और आगे किसी भी विभाग में किसी भी उसमें महिलाओं के सम्मान में कोई इस तरह का कदम नहीं उठाने का, जो ये नुकन हुई है दब जाए, कोई आवाज ना उठे, तो हर विभाग में इस तरह की बात होगी, जो एक ये शुभ लक्षण नहीं है। प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो नारा भी तार तार होता दिखाई दे रहा, वो कहीं ना कहीं उस नारे पे भी एक करारा तमाचा है, तो ये नहीं होना चाहता। अगर नारा है प्रधानमंत्री जी का नारा है तो उसे इस नारे पर तो खरे तो उतरे, क्या पूरे भारत में विदेश में कितनी वह हो रही बातचीत, एक आदमी ताकतवर हो गया, उस पर बहुत ताकतवर हो गया, पैसे के बल पे भी, सत्ता के बल पे भी, तानाशाही के बल पे भी, एक दबंगाई के उस पर भी, क्या यही जो दबंग आदमी यही जीवेंगे? कम से कम तक तो बात होनी चाहती, गिरफ्तार होता खिलाड़ियों का पहलवानों का उनका भी तो सम्मान रहे तक भाई, वो है बातचीत। अगर मान लो दोबारा, चूंकि 15 तारीख का समय खिलाड़ियों और सरकार के बीच में वार्ता में तय हुआ था 15 तारीख तक का, उस तारीख तक पुलिस ने जो रिपोर्ट थी वो भी दाखिल की कोर्ट में, अब अगर खिलाड़ी दोबारा से आंदोलन की राह चुनते हैं तो आप लोगों की भूमिका क्या रहेगी? भूमिका हम तो बिल्कुल पूरे का पूरा पूरा समर्थन है, जहाँ से जहाँ की भी बात होगी, हमने थोड़ा ही सरेंडर करा, वे तरह तरह के उन्हें पहलवानों को करा जा रहा, पहलवान टूट गए, पहलवानों ने बयान दे दिया, कुछ नहीं, सब झूठी बात है। एक जो मीडिया है बिल्कुल एक उसी तरह से ये गुणगान कर रहे, सरकार का कितने चैनल तो ऐसे है जो जिन्होंने लोगों ने देखने ही बंद कर दिए, मैं